इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में हत्या का ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें पत्नी के सातवें महीने की खुशी गम में बदल गई। लोग आए थे खुशियां मनाने मगर मातम मना रहे हैं। कारण सिर्फ इतना था कि मृतक ने आरोपी को सिर्फ गाली गलौज करने से रोका था। इमामवाड़ा परिसर में रहने वाले मृतक महेश बावने के घर पर पत्नी के सातवें महीने का कार्यक्रम था जिसके पहले दिन घर में तैयारियां जारी थी। पत्नी को मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की के पिता ने आरोपी से पैसे उधार लिए थे। उसका ब्याज लेने आरोपी शेरू उर्फ शंकर राठौड़ तमंचा लेकर आया था। लड़की के माता पिता के साथ गाली गलौज करने के बाद लड़की को भी गाली गलौज करने लगा, जिसे मृतक महेश ने रोकते हुए कहा कि मेरे घर मेहमान है, आप गाली गलौज मत करो। बस ना सुनते ही आरोपी घर गया और अपने पुत्र 23 वर्षीय ऋतिक राठौड़ को लेकर आ गया, जिसके पहले तो तमाशा किया, जिसके बाद आरोपी ऋतिक ने मृतक महेश के हाथ पकड़ कर रखा और पिता शेरू ने पेट पर चाकू से वार किया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी रात्री 10:15 सुमारास यातील मृतक महेश विठ्ठल बावने यांच्या घरासमोर गुन्ह्यातील आरोपी शंकर भोलासिंग राठोड हा मोठ्या आवाजात त्रस्त व्यक्तीला शिवीगाळ करीत होता। त्यावेळेस मृतकने त्याला हमारे घर पर फंक्शन है, यहाँ रिश्तेदार आए हुए है, आप यहाँ ऐसी बात मत करो असे हटकले असता त्याचा मनात राग धरून त्याने कुठल्या तरी धारदार शस्त्राने मृतकच्या छातीवर वार करून त्याला गंभीर जखमी करून त्यांचा खून केलेला आहे। सदर घटनेमध्ये प्राथमिक माहिती अशी आहे की आरोपी हा पैसे देवाणघेवणाचा परिसरात व्यवसाय करायचा आणि त्या पैशाच्या कारणावरून तो ज्यांना पैसे दिलेले होते अशा व्यक्तींना घटनेच्या वेळेस शिवीगाळ करीत होता। हे शिवीगाळ मृतकच्या घरासमोर होत होती। त्याने या गोष्टीवरून हटकल्याच्या कारणावरून सदरचा गुन्हा घडलेला आहे। मुख्य आरोपी शंकर भोलासिंग राठोड वय 52 वर्ष आणि दुसरा आरोपी त्याचा मुलगा ऋतिक शंकर राठोड वय 24 वर्ष असे दोन आरोपीचे नाव आहेत। त्यांचा असा काही ठराविक व्यवसाय कामधंदा करीत असल्याबाबत नोंद नाही आहे। मयत हे रेल्वे प्रशासनामध्ये नोकरीला होते। मागील 4 वर्षापासून ते नागपूर सीताबर्डी या ठिकाणी रेल्वे विभागामध्ये नोकरीला होते आणि मृतकच्या मृतक शंकर राठोड याच्या विरोधामध्ये पूर्वीचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। त्याच्या विरोधामध्ये गंभीर स्वरूपाचे 7 ते 8 गुन्हे दाखल आहेत। त्याचप्रमाणे ऋतिक राठोड याच्या विरोधामध्ये सुद्धा एक गंभीर मारहाणीचा गुन्हा दाखल। मामले में मृतक सिर्फ 23 वर्षीय है। पिता की मौत भी कुछ दिन पूर्व एक हादसे में हुई है, जिसके बाद मृतक को रेलवे के मैं उनकी जगह नौकरी लगी थी। घटना के दूसरे दिन मृतक की पत्नी का 7वां महीना था मगर वह खुशियां नहीं मना पाए। मृतक के घर में माँ, छोटा भाई, छोटी बहन और गर्भवती पत्नी है। घटना इतनी संवेदनशील है कि पुलिस के सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। मामले में दोनों आरोपी फरार है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नए पुलिस आयुक्त आने के बाद यह शहर का 12वीं हत्या का मामला है। लगातार शहर में हत्याओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की अब जरूरत आन पड़ी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।